खतौली थाना क्षेत्र के काजियान मोहल्ले में पुलिस ने अवैध पटाखा फैक्ट्री का खुलासा किया। कस्बे में बड़े पैमाने पर चल रही थी अवैध पटाखा फैक्ट्री। भारी मात्रा में बने पटाखों के साथ विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। अलग अलग शहरों में पटाखों की सप्लाई करते थे अवैध पटाखा फैक्ट्री खतौली थाना क्षेत्र में चल रही है। सर, अवैध पटाखा फैक्ट्री पकड़ी है। कल एक सूचना मिली थी कि कस्बे में कोई अवैध कलरफुल पटाखे बनाने की फैक्ट्री का कार्य किया जा रहा है, तो जान सकते रहे से ही लोग गए। मोहल्ला काजियार में दो लोगों को गिरफ्तार किया जिनका नाम नदीम और शाहनवाज है। उनके पास से जो अधबने पटाखे होते हैं और कुछ बने हुए पटाखे वो मिले हैं। ये विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत की अपराध की श्रेणी में आता है और इसमें यह देखा जा रहा है कि अगर वह कलरफुल आइटम्स हैं तो वो तो चल जाते हैं, लेकिन जिसमें ये पटाखा और जो जिसमें विस्फोटक पदार्थ बनाते हैं वो सब इसमें नहीं आता है। इनको ये भी जानकारी दी गई, उसके बाद इनको इनसे बरामदगी की गई और इनको अग्रिम कार्रवाई में बदमे देखकर जेल भेजा। सर, कार्रवाई के दौरान क्या कुछ चीज़ें इनके पास से काफ़ी बड़ी मात्रा में कलरफुल पटाखे मिले हैं, उसको बनाने के लिए विस्फोटक सामग्री मिली है जिसको कि पटाखा बनाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कहीं पर ये अन्य जगहों पर इसको सप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आसपास में रूरल एरिया है। हो सकता है कि कहीं ये अच्छे बड़े शहरों में इसको सप्लाई करते हैं और उससे कोई हादसा हो सकता था, ये पुलिस के द्वारा एक अच्छा व्यवहार किया गया। सर, ये कलरफुल जैसे आप बता रहे हैं, सर कहाँ इस्तेमाल होते हैं ये पटाखे? मुझे ऐसा लगता है कि जो होली के समय में कहीं पर जैसे कहीं पर जुलूस निकलते हैं या घरों में खेले जाते हैं, कोई ऐसी जगह पर रहते हैं, उसमें इनका मिसयूज़ ही होता है। पटाखों का मतलब जो आतिशबाजी से बनने वाले पटाखों से है। अगर कलरफुल रोल्स रहते हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जहाँ पर भी विस्फोटक सामग्री रहती है वो अनसेफ है और उसके लिए लाइसेंस होना चाहिए।